अजीज तलबा, आज जो हम सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे कि माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए एक तरीका है, नर्सरी क्लास 1, 2, 3 और 4 का, ठीक है। मैं लिखता हूँ 2 डिजिट, लिखता हूँ 26 लिखते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 23 ऐसे लिखा हुआ है। एडिशन लिखते वक्त हम क्या करते हैं, जो मर्जी रकम, जो मर्जी अमाउंट जो है अप डाउन ऊपर नीचे लिख सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले जो बात हमने देखनी है कि बड़ी रकम कौन सी है। आप इनमें बताएं बड़ी कौन सी है, 26 है, तो ये लाइन मैंने ड्रा की है, ठीक है। 26 सब्ट्रैक्ट का साइन में नजर आ रहा है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 23, ठीक है, यहाँ एक लाइन ड्रा करेंगे नीचे। अब क्या करना है, जैसे हमने जमा किया था बिल्कुल उसी तरह आपने लाइनें निकालनी है। ये क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 6 लाइन निकाली, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 6 लाइंस हमने लगाई है, नीचे क्या है, 3 कट कर देने, क्या करने, ये कट कर देने। आप देखें 1, 2, 3, 3 लाइन कट कर दी, अब बाकी कितनी बची, 3। अब हम इधर लिखेंगे 3, ये 2, बिल्कुल ठीक है, 2 लाइनें लगाई हैं, ये नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 ही काट देनी है, तो बाकी क्या बचा, 0, नथिंग, कुछ भी नहीं बचा, या कुछ भी ना बचे तो उसको हम 0 लिख सकते हैं। समझ आ गई है, ये 2 डिजिट वाले आसान तरीका है कि आप हल कैसे करना है, ये एक्स्ट्रा वर्क में करना है। एक्स्ट्रा वर्क समझते हैं ना, एक लाइन लगा के ना एक्स्ट्रा वर्क कर देना है, यानी कि रफ अमल। समझ आ गई है, अभी 2 क्लास वाले बच्चे, 1 क्लास वाले बच्चे ये हल कर लेंगे। अब हम मजीद इसको 3 डिजिट वाले जो है उनको कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अभी चलते हैं एक और, ये मैंने आसान क्वेश्चन आपको बताया, ये जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आप इनको रट्टा नहीं लगाना आपने, जब आप रट्टा लगाएंगे फिर आप भूल जाते हैं। जब आपको समझ आ जाएगी जो मर्जी क्वेश्चन हो तो आप वो हल कर लेंगे, अपने माइंड से दिमाग को इस्तेमाल करते हुए हल कर सकते हैं। समझ आ गई है, अभी देखते हैं 3 डिजिट वाले करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं 138, ठीक है, सब्ट्रैक्ट 108, आप कितने डिजिट हो गए, 3 डिजिट वाले हम कर रहे हैं। अभी हमने लाइन लगानी है, अभी आपने थोड़ी सी हेल्प करनी है मुझे, ठीक है। आप मुझे बताएं ऊपर कौन सी अमाउंट लिखें, कौन से डिजिट, कौन सा नंबर लिखें, 108 या 138? क्यों, क्योंकि ये बड़ी है, बड़ी रकम से हम हमेशा छोटी रकम निकालते हैं, छोटी रकम से बड़ी रकम नहीं निकाल सकते, ठीक है। आप बैठ जाओ। अब हम क्या करते हैं, अगर आप 108 से सब्ट्रैक्ट करें 138 तो ये हो सकता है, बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग क्वेश्चन। क्या करना है, बड़ी रकम जो है ऊपर लिखनी है, बड़ी रकम कौन सी है, 138। साफ कर दें, चलिए साफ कर दिया। अभी ये तरीका समझ आ गया ना, आपने ये गलती नहीं करनी,
हमेशा जमा करते वक्त जो मर्जी रकम ऊपर, बेशक बड़ी रकम ऊपर लिखते हैं, बेशक छोटी लिखते हैं, लेकिन तकदीर करते हुए, सब्ट्रैक्ट करते हुए, नफी करते हुए हम हमेशा बड़ी रकम किधर लिखेंगे? ऊपर। तो नीचे छोटी रकम लिखेंगे। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। जैसे 138 सब्ट्रैक्ट 108, बहुत आसान सवाल है। अभी आपसे थोड़ी सी मैं हेल्प लेता हूं। क्या करेंगे? एक लाइन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होगी। अब नीचे 8 है, 8 लाइनें काट देंगे, काटें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बाकी कितनी बची? 0 0 0 0 लिख देंगे, कुछ बचाएंगे। अंडरस्टैंड? आगे 3 3 में से 3 लाइनें लगाएं, 1 2 3, कितनी काटें? कोई ना काटे तो कितनी बची? 3 3। आगे 1 1 लाइन काट दे तो बाकी 0 0। तो 0 इधर लिखने का फायदा नहीं है, लेफ्ट साइड, ठीक है? अगर मैं देखें लेफ्ट साइड की, देखें इधर लेफ्ट साइड 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट साइड जब लगाएंगे तो बढ़ती जाती है, क्यों इधर बेशक ना लगाएं। तो क्या आंसर आया? 30। अंडरस्टैंड? अभी